कब मिलेगी सुरक्षा? नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी एक अहम विषय की, वो विषय जो अपने आप में सवाल खड़े करता है, वो मुद्दा जो बताता है कि आखिरकार किस तरह से किसान नेता की जान खतरे में है लेकिन प्रशासन मौन है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद किसान नेता कह रहा है। मैं 27 दिसंबर का जिक्र करूंगा। 27 दिसंबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने एक खुलासा किया था। मुद्दा था लखीमपुर खीरी कांड को लेकर। लखीमपुर खीरी कांड 27 दिसंबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची थी उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, और जगह थी उधम सिंह नगर, जहां से हमने लाइव उस डिबेट को किया था जिसमें तमाम मेहमान खुद कार्यक्रम में मेरे साथ हिस्सा बने थे। लखीमपुर खीरी कांड जिसका जिक्र मैं उन 3 तारीख का कर रहा हूं जब 3 अक्टूबर को जो हादसा, थार गाड़ी कुचलते हुए किसानों को, रौंदते हुए किसानों को चलती चली गई, इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये सबके जहन में आज भी जख्मों को कुरेद देती है। इनमें से एक किसान नेता तेजिंदर सिंह, जिसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज वर्ल्ड इंडिया की यूट्यूब की टाइमलाइन पर पड़ा है, तेजिंदर सिंह जो कहते हैं मेरी जान को खतरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद ना तो लखीमपुर खीरी के एसएसपी और ना ही उधम सिंह नगर के एसएसपी मुझे सुरक्षा दे रहे हैं। मेरे पास लखीमपुर खीरी के एसएसपी की चिट्ठी भी है जो उधम सिंह नगर के एसएसपी को लिख रहे हैं, वो आगे मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। इसका जिक्र मैंने उस दिन भी किया था 27 दिसंबर को, लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट यह कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर जो एक्सक्लूसिव खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने आप तक पहुंचाई, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, देश का सबसे प्रसिद्ध न्यूज़पेपर, उसने इस खबर को प्रमुखता से छापा। इस खबर को लेकर भी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। अब यह जान लीजिए कि एसएसपी लखीमपुर, हमारे सहयोगी उनके पास पहुंचे, उनसे जानना चाहा कि आखिरकार विवाद क्या है, जब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आप खुद लिख रहे हैं कि उधम सिंह नगर के एसएसपी इस पर कार्रवाई करें, सुरक्षा दे तेजिंदर सिंह को, लेकिन उधम सिंह नगर के एसएसपी मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम है। अब लखीमपुर के एसएसपी इस पूरे विषय को लेकर खामोश हो गए। उधम सिंह नगर के एसएसपी खुलकर कह रहे हैं कि भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस की है, यह मैं नहीं कह रहा, यह उधम सिंह नगर के एसएसपी कह रहे हैं। पहले उधम सिंह नगर के एसएसपी का बयान सुना, उससे पहले तेजिंदर साहब का वो बयान पुराना मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो 27 दिसंबर को मैंने आपको सुनाया था। 27 दिसंबर को हमने आपको बताया था कि किस तरह से किसान नेता की जान को खतरा है। इस बयान को सुनिए और फिर मैं सीधा अपने मेहमानों की तरफ रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एसएसपी साहब का बयान भी सुनाऊंगा। एसएसपी उधम सिंह नगर वो कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं वो बाद में आप देखिएगा, लेकिन पहले जरा सुनिए तेजिंदर सिंह, किसान नेता जो खुद इस पूरे हादसे का शिकार हुए थे लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया, मगर आज प्रशासन से लड़ रहे हैं, सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। पहले बयान सुनिए और फिर उसके बाद एसएसपी का बयान सुनाएंगे। आप पहले व्यक्ति हैं जिनके सामने मैंने अपनी बात कही और आपने पूछा है, और मैंने ट्वीट किया है, लगभग कई 100 लोगों ने उसे रिट्वीट भी किया है और देखा है,
और मैंने उसमें जो है टैग किया है तमाम बड़े चैनलों को और लोगों को जानकारी, उसके बाद भी कहीं ऐसा मीडिया के अंदर ऐसी बातें नहीं है जो आपने बात कही है कि अगर बॉलीवुड की या कहीं की कोई एक छोटी सी घटना हो तो उसे जो है अगर मच्छर भी काट जाए तो उसको भी घटना एक समाचार बनता है, कंगना का छज्जा भी टूट जाए कंगना का छज्जा खबर बनता है। लेकिन ये देश के अंदर मैं हम लोगों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हमने किसान आंदोलन मेरा व्यक्तिगत आंदोलन नहीं था, लोगों के लिए था और जनहित में जो लोग जो लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा का नैतिक कर्तव्य जो है देश की सरकार का बनता है, जो लोग हित में लोग हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो, हर व्यक्ति की सुरक्षा का जो है हम लोग एक सेतु का काम भी करते हैं और हमारी जिम्मेदारी है। जिनकी कलम गुलाम है वो ये सवाल नहीं करते, मैं जानता हूँ उनके अंदर हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी कलम गुलाम बैठी हुई है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि हमारे इस मंच के माध्यम से आप अपील करें सरकार से कि मुझे मेरे को सुरक्षा मुहैया करवाएं, अगर मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हमला होगा तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की सरकार को दुनिया के सामने कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, साजिश के तहत हुआ था, 3 तारीख को मैं ऊपर ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, लेकिन आज भी मेरी जान को खतरा है। मैंने उस दिन हॉस्पिटल में भी कहा था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 3 महीने बीत जाने के बाद भी मुझे जो है सुरक्षा नहीं दी गई है और मेरी जान को पूरी तरह से खतरा है। अगर मेरी जान जाती है तो उसकी जिम्मेदार इस देश प्रदेश की सरकार होगी और इसके लिए मैं लगातार कहता रहा हूं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी स्पष्ट मुझे जो है कोई सिर्फ कागजी कार्रवाई रह गई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी मौत की जिम्मेदार इस देश की सरकार होगी। तो खुद किसान नेता कह रहे हैं कि मेरी मौत की जिम्मेदार सरकार होगी, सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, SSP कहते हैं लखीमपुर के SSP कि उधम सिंह नगर के SSP सुरक्षा मुहैया करवाएं, लेकिन आज तक तेजेंद्र सिंह विर्क को सुरक्षा नहीं मिली, सुरक्षा नहीं मिली। मैं अपने मेहमानों की तरफ रुख करूं लेकिन उससे पहले SSP साहब का बयान आपको सुनाना चाहूंगा। SSP उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर साहब क्या कुछ कह रहे हैं उधम सिंह नगर के SSP, सुनिए जरा। ये जो लखीमपुर खीरी में जो मामला हुआ था किसानों का और कुछ भाजपा नेताओं का, उसमें जो मामला हुआ था उसमें कुछ किसान और कुछ अन्य लोगों की भी सामायिक मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उस पूरे प्रकरण में लखीमपुर खीरी जनपद में मामला पंजीकृत हुआ था, कुछ अरेस्टिंग भी उसमें हुई है, उसी प्रकरण को लेकर के जो उसमें जो घायल पक्ष थे किसान लोग थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने UP गवर्नमेंट को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा प्रदान के लिए कहा गया है। सक्षम न्यायालय UP में है, लखीमपुर खीरी में है, वो मामला जब ट्रायल में आएगा विटनेस के लिए जब इनको जाना पड़ेगा उस समय UP गवर्नमेंट को कोर्ट का सक्षम स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इनको सुरक्षा प्रदान करा दिया जाए। उसमें जो है लखीमपुर खीरी के जो कप्तान साहब हैं उन्होंने हमको लिखे दिया हुआ है, हम इसका परीक्षण करा रहे हैं और चूंकि कोर्ट हमारे यहाँ है नहीं, जब कोर्ट में गवाही के दौरान उसमें सुरक्षा देने की बात है तो हम इसका परीक्षण करा रहे हैं और इसके जो भी इसमें जो प्रोविजन्स हैं उस हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें सुरक्षा जहाँ तक वहाँ लखीमपुर खीरी में सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है वो UP गवर्नमेंट की है, UP वहाँ की लखीमपुर खीरी पुलिस की भी है और अपने लेवल परीक्षा कराकर जो भी ऐसा संभव हो सकता है वह हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो SSP साहब कह रहे हैं कि लखीमपुर पुलिस की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तराखंड के बॉर्डर पर है उधम सिंह नगर जहां पर तेजेंद्र सिंह रहते हैं, अब वो कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है भैया, जिम्मेदारी लखीमपुर खीरी पुलिस की है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और SSP साहब चिट्ठी लिख रहे हैं लखीमपुर के कि भैया उधम सिंह नगर पुलिस आप इन्हें सुरक्षा मुहैया करवाएं। इस चिट्ठी को मैं आगे पढ़ूंगा लेकिन सबसे पहले रुक करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं वेद भूषण शर्मा जी जो कि पूर्व IPS हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वेद भूषण शर्मा जी आपका हमारे साथ। सभी मलिक जी जुड़ चुके हैं जो कि किसान नेता हैं। संदीप दुबे BJP का पक्ष रखेंगे, पार्टी के युवा चेहरे हैं। संदीप दुबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पी चौधरी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले वेद भूषण सर आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं और
27 दिसंबर को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को दिखाया था। 27 दिसंबर के बाद 28 या 29 दिसंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा प्रमुखता से इसे स्क्रीन पर दिखाएं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को दिखाया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए किसान नेता को, जो खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने ब्रेक की थी। प्रमुखता से दिखाया और बताया कि आज भी सुरक्षा नहीं मिल रही। एक तरफ उधम सिंह नगर के एसएसपी लिख रहे हैं और दूसरी तरफ लखीमपुर के एसएसपी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा वेद सर, यह मसला गंभीर है या गंभीर बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई में इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद आपको हैरानी हुई? सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 इसके तहत गृह मंत्रालय की, स्टेट गवर्नमेंट की और यूनियन टेरिटरीज की जिम्मेदारी थी कि जो गवाह है उनको सुरक्षा प्रदान करे। किस तरह करे ये स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट, उनकी जिम्मेदारी थी। ये लखीमपुर केस एक हाई प्रोफाइल केस है और इसके अंदर जो गवाह है बहुत ही सेंसिटिव गवाह है और तेजेंद्र सिंह एक स्टार विटनेस है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक दूसरे स्टेट की जिम्मेदारी नहीं, पे इस पे नहीं छोड़ी जा सकती। यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो इस केस का ट्रायल सेंटर के अंदर कराया जाए, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफियर कर सके, और जितने भी गवाह हैं, करीब 70 के करीब गवाह हैं, उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, कोई भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये कानून है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना भी अपने आप में एक आदेश होता है। तो ये तमाम गवर्नमेंट्स की, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि तेजेंद्र सिंह स्वतंत्रता से बिना हतचाइल हुए अपनी चीजों को कोर्ट के अंदर बयान कर सके, क्योंकि ये तमाम एक हिंदुस्तान की आजादी के बाद में जो कानून लाया गया है, इसलिए लाया गया है क्योंकि जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके अंदर या तो गवाहों को मार दिया गया या वो किसी तरह के दबाव के अंदर हॉस्टाइल हो गए। आपको दिल्ली का जैसिका लाल केस याद होगा, उसके अंदर श्याम मुंशी थे, उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरे बयान ही नहीं है क्योंकि मैं हिंदी जानता ही नहीं हूँ। इसी तरह सलमान की जो केस थे, सलमान खान जो बहुत बड़े हीरो थे, उनका केस था, उनके गवाहों को किस तरह धमकियां मिली। आशाराम केस के अंदर किस तरह से गवाहों को एलिमिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, यहां तक कि एलिगेशन लगाए गए। भूषण सर, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं टेक्निकली जानना चाह रहा था, जिम्मेदारी है आप पूर्ण आईपीएस हैं, गवर्नमेंट की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, आप उस पूरे सिस्टम को भली भांति जानते हैं। मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूँ कि लखीमपुर के एसएसपी लिखते हैं उधम सिंह नगर के एसएसपी को कि आप इन्हें सुरक्षा मुहैया करवाइए, और उधम सिंह नगर के एसएसपी का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि लखीमपुर पुलिस की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये बिल्कुल ये मसला नहीं समझ में आ रहा, जिम्मेदारी बनती है, बल्कि मेरा यहां तक कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनकी जिम्मेदारी है वो तेजेंद्र सिंह की सिक्योरिटी को लेकर आदेश पास करें। किसी एसएसपी, किसी डीजी की हिम्मत नहीं है जो उन आदेशों का उल्लंघन कर सके। डिस्ट्रिक्ट जज की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज भी बंधे हुए हैं और पूरा हिंदुस्तान उनसे बंधा हुआ है, और एसएसपी साहब छोड़ो, आप डीजी साहब को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा के लिए कितने पुलिस वाले सिक्योर किए जाए, सीसीटीवी लगाए जाए, गार्ड दिए जाए, सिक्योरिटी दी जाए, उनके हाउस की सिक्योरिटी की जाए, के आने जाने की जब वो अदालत के अंदर आए जाए उनको किस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ये तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, छोटा केस नहीं है, क्योंकि वो यूनियन मिनिस्टर है और पावरफुल आदमी है। ऐसा ना हो कि दूसरे केस जिनका मैंने जिक्र किया है कोई भी यदि विटनेस को नुकसान हुआ तो इस तमाम केस को एक तरह से बहुत बड़ा डैमेज पहुंचेगा। एसआईटी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तमाम मामला मॉनिटरिंग के अंदर है, पूरा हिंदुस्तान इस केस को देख रहा है। तो ये तमाम दोनों, चाहे एसएसपी उधमपुर है चाहे लखीमपुर है, उन तमाम को बैठ कर डिसाइड करना होगा। मैं अभी वो चिट्ठी भी पढ़ूंगा, सुरक्षा को निश्चित किया जाए। बिल्कुल शर्मा सर, मैं अभी वो चिट्ठी भी पढ़ूंगा जो एसएसपी लखीमपुर खीरी ने लिखा उधम सिंह नगर के एसएसपी को। लेकिन उससे पहले सवित मलिक साहब, 27 तारीख का जिक्र था
और उस चर्चा में मुझे याद है कि आप भी मौजूद थे। मैं 27 तारीख से पहले एक तारीख, मुझे जहां तक याद है शायद 26 या 25 तारीख हो सकता है तारीख एक इधर उधर हो, लेकिन जब मैं उधम सिंह नगर पहुंचा तब मेरे का तेजिंदर सिंह विर्क से मिलने की जिज्ञासा जागी। मैं जब उनके घर पे पहुंचा सवित मलिक साहब, तो उनके घर पहुंचने से पहले एक चौराहा आता है। मैंने चौराहे पर पूछा कि ये तेजिंदर पाजी का घर कहां पर है। वहां से एक बच्चा आया चौराहे से, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां पर उस घर तक लेकर गया, उस घर तक। वहां कोई सुरक्षा, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं दिखाई दी। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, अब तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को छाप दिया जो खबर मैंने 27 तारीख को दिखाई, अब एसएसपी उधम सिंह नगर कह रहे हैं कि भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी लखीमपुर खीरी पुलिस की है। आप लोग सीरियसली क्यों नहीं ले रहे इस पूरे मसले को मलिक साहब? तिलक चावला जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इस अहम मुद्दे को उठाया और आप ग्राउंड जीरो तक गए। आपने ऐसी ठंडी में और अपनी जान को खतरे में डालते हुए बोर्डर पर गए और सारी चीजों को आपने उठाया। आपके उठाने के बाद टाइम्स नाउ जैसे पेपर ने भी इसको अपनी हेडलाइन बनाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब किसान जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार हर जगह उसको गुमराह करने का काम कर रही है, धोखा देने का काम कर रही है। लखीमपुर मामले में जितनी बातें हुई थी, जो फैसले हुए थे, वो कोई फैसला सरकार ने नहीं मांगा। जो उस दिन मान लिया वो मान लिया। उसके बाद जो घायल हुए थे उनको 10-10 लाख रुपए देने की बात थी, वो सरकार ने टाल दी है, वो नहीं दे रही है। उसमें मंत्री को बर्खास्त करने की मांग थी, वो नहीं मानी गई है। और भी तमाम मुद्दे हैं। और विक्र जी तो उस गाड़ी के सामने आने वाले शख्स थे जो टक्कर लगने के बाद बोनट के ऊपर गिरे थे, वही तेजेंद्र सिंह विक थे। और ये बराबर में लुढ़क गए तो इनकी जान बच गई। बाकी जो 3-4 लोग थे वो पहिए के नीचे आ गए, उनको घसीटते हुए ले गए, उनको कुचल कर मार डाला। इसके बाद ये हॉस्पिटल में थे, इनके ऊपर भी FIR कराई गई। तो ये तो सरकार पहले दिन से कर रही है कि किसानों के हित को दबाने का काम कर रही है, वहां पर सबूत मिटाने का काम कर रही है। ऐसे जैसे अभी वेद जी ने कहा, वेद जी को पता है कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो तुरंत उस जगह को कवर कर दिया जाता है ताकि वहां से सबूत ना मिटाया जा सके जी। और हम ये बात पहले दिन से उठाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस जगह को बैरिगेट नहीं किया और वो वहां पर तमाम सबूत हटाने का काम किया गया। जांच एजेंसियां जांच कर रही है। जब SIT बनी तो एक सक्षम अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने कार्रवाई करने का मन बनाया और बताया कि ये सहयोग नहीं कर रहे, उनको जेल भेजा तो उनको तुरंत हटा दिया गया। उपेंद्र अग्रवाल जी DIG थे SIT के, जिनको हटाकर गोंडा का DIG बना दिया गया और कई अधिकारी बदल दिए गए। तो सरकार उत्तराखंड में भी, केंद्र में भी और यूपी में भी BJP की है। अब जो इनके आका कहेंगे, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहेंगे, वही तो होगा। अब वो लोग उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने का मन है। पहले दिन से वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। SIT कहती है कि ये साजिशन हत्या है। मंत्री के ऊपर 120B का मुकदमा है। आपको हैरानी हो रही है कि तेजेंद्र जी को सुरक्षा अभी तक नहीं मिल रही? मांग कर रहे हैं, तेजेंद्र जी को अभी तक सुरक्षा नहीं मिल रही आदेश जारी होने के बावजूद भी, आपको हैरानी हो रही है? बिल्कुल हैरानी नहीं, इस सरकार में कोई हैरानी की बात नहीं है। क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है जो ना सरकार उच्च न्यायालय की मानती, ना अपने सांसद विधायकों की मानती, ना भारत की जनता की मानती है। ये एक नई तमाम उदाहरण है। आपको पता होगा इस केस के शुरुआत में इन्होंने FIR करने में आनाकानी की, फिर गिरफ्तारी में आनाकानी की, फिर जांच एजेंसी बैठाने में। ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लेकर ये तमाम चीजें कराई, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं था। क्योंकि आपको पता होगा
घटना के कुछ दिन बाद गृह मंत्री जी लखनऊ में गए, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की बीच वाली कुर्सी पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी बैठे हुए थे, चल रहा है। नहीं मैं एक बात तो मैं आगे बढ़ूं, अपने साथ में लेके घूम रहे हैं। मलिक साहब मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं, संदीप दुबे जी मैं आपके पास आऊं, मेरा ऑडियो आ रहा ना संदीप जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी मैं चाहूंगा कि मैं आपको उस चिट्ठी से अवगत करवा दूं जो चिट्ठी लखीमपुर खीरी एसएसपी ने उधम सिंह नगर के एसएसपी को लिखी। आपने उधम सिंह नगर के एसएसपी का बयान मुझे उम्मीद है कि सुना होगा, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो चिट्ठी जरा एक बार फुल स्क्रीन दिखाएं और इस चिट्ठी को जरा ध्यान से सुनिएगा। और मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूं, ये चिट्ठी स्क्रीन पर आ चुकी है और ये चिट्ठी आपके सामने है। संदीप जी, इस चिट्ठी में लिखा गया है कि सेवा में पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड, कृपया अवगत करवाते हैं कि दिनांक 3/10/2021 को जनपद खीरी में घटित घटना के संदर्भ में थाना टुकनिया पर पंजीकृत मुकदमा संख्या नंबर 219/2021 धारा 147, 48, 149, 269, 338, 304 ए, 302, 120 बी, पीड़ित तथा उनके परिजनों को सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है। दिनांक 3/10/2021 को घटित घटना से संबंधित पंजीकृत अभियोग उपायुक्त ने तेजिंदर सिंह विर्क पुत्र हरभजन सिंह निवासी लोक विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 25 थाना रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर, मोबाइल नंबर भी है, हरपाल सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी दुर्जापुर थाना दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर गवाह हैं, जिनके अंतर्गत धारा 164 में बयान अंकित किए जा चुके हैं। अतः अभियोग की संवेदनशीलता के दृष्टिगत उपरोक्त गवाहों को अपने स्तर से सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही का कष्ट करें, पुलिस अधीक्षक खीरी। ये चिट्ठी है संदीप जी, जो लिखा हुआ है मैंने हूबहू वही पढ़ दिया, हूबहू मैंने वही पढ़ दिया, ये चिट्ठी है। अब मुझे एक बात बताइए, यह पूरा वाक्य जो मैंने आपके सामने रखा, जो तेजिंदर जी की जुबानी था, मैंने हूबहू वही बोल दिया, आपको हैरानी हुई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि उधम सिंह नगर की पुलिस सुरक्षा देगी, और उधम सिंह नगर की पुलिस कह रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सुरक्षा देगी, आपको हैरानी हुई संदीप दुबे जी? संदीप जी ऑडियो चला गया क्या? संदीप जी का ऑडियो चला गया, प्लीज कनेक्ट करिए। शिल्पी चौधरी जी, आपको हैरानी हुई? नहीं, बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई, जैसा से संबित मलिक जी ने कहा है कि चाहे केंद्र हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तीनों जगह भाजपा की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का ये पूर्व से रिकॉर्ड है, चाहे वो उत्तर प्रदेश, चाहे वो उन्नाव की बलात्कार पीड़िता हो पहली और उसके बाद दूसरी, दोनों के परिवार को खत्म कर दिया गया। वो लड़की जो दूसरी थी उसको जला करके खत्म कर दिया, जो अपने पूरे मुकदमे की गवाह थी और गवाही पर ही आई थी। पहली लड़की उसकी पिता को मार दिया गया, उसकी चाची को मार दिया गया, सिर्फ चाचा और माँ बचे हैं, इवन वकील तक को मार दिया गया। हाथरस में भी यही कहानी दोहराई गई। तो ये जो है पूरा तंत्र इनका है, और ये यही करेंगे कि तू कर मैं कर, और उसमें तेजिंदर जी की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, ये तो मैं समझ रही हूँ, आप समझ रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो अभी तक आप देखिए ना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी तो मंच पर बैठ रहे हैं, जब सब कुछ सामने है अभी तक उन्हें हटाया नहीं गया, वो पत्रकारों पे हाथ उठा रहे हैं, तो आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये बचाएंगे? ये तो चाहेंगे कि पूछ लेता हूं। संदीप मेरे साथ कनेक्ट हो गए, शिल्पी जी संदीप मेरे साथ जुड़ गए। संदीप जी, वो चिट्ठी मैंने हूबहू पढ़ के सुनाई, आपने सुनी होगी मैं उम्मीद करता हूं, अगर आप चाहें तो मैं दोबारा भी पढ़ सकता हूं। आपको हैरानी हुई?
नहीं नहीं मैंने सुनी है, सुनी है। मुझे सिर्फ दो मिनट बोलने का अवसर देंगे जी। मैं बोल एसीपी साहब वेदभूषण जी को भी मैंने सुना। देखिए जो हमारे यहाँ जो कानून है, जो कानून काम करता है, मैं पेशे से वकील हूँ, तो जो ये विटनेस प्रोटेक्शन की बात होती है तो क्या होता है, जो आईओ होता है संबंधित या जिस थाने में वो रह रहे होते हैं, जहां से आवेदन देते हैं, वहां जो थाने का एक जो आईओ होता है, पुलिस ऑफिसर्स होता है, उनको जरूर उनका नंबर मिला होगा कि वो कहीं भी जाए तो उनको सूचित करें और उस जगह पे उनको प्रोटेक्ट करेगी सरकार। तो सरकार ऑलरेडी अच्छा। उनको प्रोटेक्शन के लिए तैयार है और उनको प्रोटेक्ट भी कर रही है। दूसरी अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें थोड़ा हम लोगों से भी गलती हो रही है, आपसे हमसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जो गवाह है उसके नाम पे चर्चा नहीं कर सकते। ये साफ साफ जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन चिट्ठी लिख रहे हैं, एसएसपी लखीमपुर खीरी चिट्ठी लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते, आप सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रहे। वो शख्स रो रहा है, मैं आपको रोते हुए बयान सुना सकता हूं। गोपनीय रखने की आवश्यकता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ऐसी स्थिति में जहां लखीमपुर खीरी के एसएसपी, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च लाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है साहब, उसको मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा, तो ये कौन सी गाइडलाइंस है, ये कौन सी गाइडलाइंस है जिसे सुरक्षा की जरूरत है, वहां पर लखीमपुर के खीरी एसएसपी कह रहे हैं कि भैया सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, उधम सिंह नगर के एसएसपी कह रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये यूपी पुलिस का काम है, ये कौन सी गाइडलाइंस है सर? नहीं, वो दोनों पुलिस, मैं मेरी बात हो जाने दी, मुझे एक मिनट बोलने का मौका देंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी नंबर आईओ का उनको मिला हुआ है वो संबंधित आईओ से जरूर वार्ता करें और जहां कहीं जा रहे हो तो जाने से पहले वो संबंधित जो थाना है उसको भी वो बताएं, क्योंकि जो प्रोटेक्शन मिलता है कोर्ट के द्वारा वो एक एरिया में होता है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, कोई व्यक्ति दिल्ली रहता है तो दिल्ली हाई कोर्ट से उसको अगर प्रोटेक्शन मिलता है तो दिल्ली पुलिस उसकी देखरेख करेगी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में वो चला गया, बिहार में चला गया, तो दिल्ली पुलिस का ज्यूरिडिक्शन उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं। वैसे जो उनको प्रोटेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिला होगा तो वो अगर जाके उधमपुर में या कहीं भी रहेंगे वो प्रोटेक्शन वहां पे लागू नहीं होगा। तो उनको चाहिए प्रॉपर तरीके से कि जाने से पहले संबंधित पुलिस को सूचित करें, पुलिस बेहतर कार्रवाई करेगी। सूचित करें पुलिस को कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, मामला नहीं है ये, कानून सम्मत मामला है और पुलिस कृत संकल्पित है उनके प्रोटेक्शन को लेकर। किसकी जिम्मेदारी बनती है सर, आईओ की ना? हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे ये सारी समस्याएं खत्म। नहीं, कैसे समस्या हो सकता है, सरकार आपकी बात मानती हो, उधम सिंह नगर का एसपी आपकी बात मान ले, आप ही फोन कर दो, किसान की जान बच जाएगी। नहीं नहीं, ये इसको इस तरह से इस विषय को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। सबका ज्यूरिडिक्शन है, हर पुलिस ऑफिसर का, थाने का, जो प्रशासन है, कानून में काम करने वाले लोग हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी, आप कहीं जाए तो उससे जाने से पहले सूचित कर ले। और अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का तो साफ साफ जो गाइडलाइन है प्रोटेक्शन को लेके वो साफ साफ है कि जिस स्टेट में अगर वो रह रहे हैं तो उस स्टेट की पुलिस उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी, उसकी वो नैतिक जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट नैतिक जिम्मेदारी पूरी हो रही है, पुलिस ऑफिसर का नाम नैतिक जिम्मेदारी पूरी हो रही है, कांस्टेबल कहते हैं, नैतिक जिम्मेदारी पूरी हो रही है। अगर वो चाहते हैं कि उनको चार पांच और पुलिस वाले मिल जाए और वो जहां जाए उनको सुरक्षित है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको चार पांच पुलिस ऑफिसर मिल जाए जिसके वजह से उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो पूरे देश में। लेकिन फिर भी अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली की पुलिस आपकी हिफाजत करेगी। सर मुझे इतना बता दीजिए, ये कौन सी पुलिस हिफाजत करेगी जो कोर्ट ने कहा, जो कोर्ट ने कहा, मुझे सिर्फ उस पुलिस का एड्रेस बता दीजिए, वो उधम सिंह नगर की पुलिस होगी यानी उत्तराखंड की होगी या यूपी की होगी, दोनों में से कौन सी पुलिस होगी? आप उनको लाइन पे लीजिए ना, आप उनको लाइन पे लीजिए जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, जो साहब हैं उनको लाइन पे लीजिए, उनको पुलिस ने कोर्ट के जो आदेश हुए होंगे वो किस जगह के आदेश हैं, वहां की पुलिस 100% पालन करेगी, नहीं तो पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो जाएगा। पालन कर रही है, दो घंटे नहीं लगाए, पालन कर रही है पुलिस, पालन कर रही है पुलिस, ये कटिंग दिखा रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की, बिल्कुल पालन कर रही होगी। और पुलिस टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, हम लोग विषय को ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, कटघरे में खड़ा, हमारी खबर ब्रेक करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को चलाया। नहीं नहीं, आपके सामने लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को गलत तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसमें विटनेस के नाम को लेके तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी गलत खबर छाप दी। ओके ओके, उसमें लिखा हुआ है। मुझे आप अभी सुप्रीम कोर्ट के आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जो गाइडलाइन आप मुझे इतना बता दीजिए, इन्हें सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी? सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी?
उत्तराखंड में चर्चा ये है, सुनिए संदीप दुबे जी, उत्तराखंड में चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री अपने करीबियों को, उनको मुझे लग रहा है विपक्ष के राजनेताओं द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा ज्यादा डरवाया जा रहा है। वो डरे हुए, वो डरे नहीं, वो निर्भीक रहे, कोई कुछ उनका नहीं करेगा। विपक्ष डरा रहा है, पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर रही है और करेगी, विपक्ष डरा रहा है। चर्चा पता क्या है संदीप दुबे जी, उत्तराखंड में चर्चा ये है कि नए नवेले मुख्यमंत्री जी अपने करीबियों को, चिंटू मिंटू को सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन जिन्हें सुरक्षा चाहिए उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। ये गलत है एलिगेशन। देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं, इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और न्यायपालिका के आदेश का पालन करना उपलब्ध करवा सकते हैं, सभी पुलिस का कर्तव्य है और वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। ओके, मैं अभी अभी करेक्ट कर देता हूं, अगर मैं गलत हूं, मैं आ रहा हूं शिल्पी जी, एक सेकंड, शर्मा जी, वेद भूषण सर, सर ये कह रहे हैं कि ये तो काम आईओ का है, आईओ का काम है, ये चिट्ठियां मत दिखाओ मुझे, ये काम आईओ का है और जिस राज्य की पुलिस का है वो देखेगी, हमें ये चिट्ठियों से कोई मतलब नहीं। बोलिए सर। तिलक जी देखिए, इसमें जो कानूनी स्थिति है, डिपार्टमेंट की स्थिति ये है कि असेसमेंट किया जाता है क्वांटम ऑफ थ्रेट, किस तरह की उनको थ्रेट है, कितनी उनको सिक्योरिटी की आवश्यकता है, क्या राउंड द क्लॉक दी जाए या जब वो केवल कोर्ट में जाए तब उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आपको याद होगा कंगना रनौत जब हिमाचल से बॉम्बे उतरी थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी एक सेंट्रल, मैं हाथ जोड़ के, सर मैं माफी चाहूंगा, सर सर मैं माफी चाहूंगा, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है क्योंकि इसमें 70 के करीब गवाह है और बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, उसमें ये इनका असेसमेंट किस तरह का, किस लेवल के ऑफिसर ने असेसमेंट किया है, क्या उनको राउंड द क्लॉक जरूरत है, क्या उनके रिलेटिव्स को भी जरूरत है। उसमें यह भी प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट में, केवल गवाह नहीं, उनकी बीबी पत्नी परिवार के लोगों को भी यदि सिक्योरिटी की जरूरत है तो उनको भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये अभी एक बहस का सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट जो जज है, जिस ट्रायल कोर्ट है, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो गवाह की सिक्योरिटी का असेसमेंट करे। वो जो विटनेस है, जो तेजिंदर विर्क है, वो भी अदालत में कह सकते हैं कि मुझे इस तरह से अननोन नंबर से थ्रेट आ रही है या मुझे खतरा है, किस लेवल से खतरा है, किन लोगों से खतरा है। तो ट्रायल कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, वो देखेगी कि क्या प्रॉपर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई या नहीं कराई गई। हमारे आपके डिबेट करने से सही, ये एक जुडिशियल मैटर है और कोर्ट और अदालत से जुड़ा मैटर है, क्योंकि सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके बीच में चल रहा है। तो ये तमाम तरह की जो कयास और अंदाज से नहीं, ये तमाम चीजें एक असेसमेंट की जाती है, एक डिपार्टमेंट का एक प्रोसीजर होता है, उसी के तहत उनको सिक्योरिटी दी जाएगी और दी जानी चाहिए। और ये जानी चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ, दी जानी चाहिए तो दी क्यों नहीं जा रही है, कि मेरा जब तक एक छोटा सा सवाल है, गवाही ना दे दे, अगर कोर्ट कह रहा है प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है, अगर अगर पुलिस कह रही है, कोर्ट कह रही है, तो फिर सुरक्षा दी जानी चाहिए तो दी क्यों नहीं जा रही है, मेरा इतना सा सवाल है, मेरा इतना सा सवाल है। लेकिन जिस महान हस्ती का आपने उदाहरण दिया सर, मैं चाहूंगा क्योंकि मैं उस महान कलाकार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि कंगना पर छज्जा टूटने पर तो पूरा देश चर्चा करता है, लेकिन मैं उस चर्चा में शामिल नहीं होना चाह रहा, क्योंकि वो एक महान कलाकार हैं, देश की महान कलाकार, पूरे देश की, मैं तो ब्रह्मांड की महान कलाकार मानता हूं, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कलाकार, उस पर चर्चा नहीं करता सर मैं। लेकिन शिल्पी जी, वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, संदीप जी कह रहे हैं कि आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं इस खबर को, मैं गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं, फिर संदीप आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी ने तो विपक्ष पर भी इस पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया, तो संदीप जी अगर ये बताएं, हम अगर आपकी बात को मान लें, पूरा पूरा आश्वस्त हो जाएं, तो इसी तरीके से आपने उन्नाव में भी सिक्योरिटी दी होगी, उन्नाव में दो दो लड़कियों पर जानलेवा हमले हुए, एक को मार दिया गया, एक का पूरा परिवार खत्म कर दिया, और आप यहाँ कह रहे हैं कि चैनल गलत कर रहा है कि वो नाम बाहर ला रहा है, क्यों भाई, क्या चाहते हैं आप, ये 70 में से केवल 7 गवाह बचे, वो गवाह खुद कह रहे हैं कि हमारी जान खतरे में है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, आईओ, आईओ की क्या हैसियत होती है, आईओ एक दरोगा होता है, उसकी क्या हैसियत, जब एसएसपी खुद लिख रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, ऐसे में दूसरी जगह आपके क्यों मना कर रहे हैं, उधम सिंह नगर में मुकदमा यहां चल रहा है तो केवल उनको यही की पुलिस, और जब उसका क्षेत्र खत्म हो जाएगा, सर मेरी बात आप टेक्निकली बता पाएंगे, आप वकील हैं, जब उनका क्षेत्र यहाँ खत्म हो जाएगा तो इस क्षेत्र के बाहर जब अगर वो जिस जगह रह रहे उधम सिंह नगर में उनका घर है तो वहां उनके ऊपर अगर हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन है, कौन बचाएगा उन्हें।
देखिए ये सारे विषय न्यायिक प्रक्रिया का है और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने का है। होता क्या है कि जब हम विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर न्याय बचा ही नहीं है, तभी न्याय ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग ऐसी बात करेंगे तो हमें लगता है कि समाज में और लोग डर जाएंगे। इसमें संदीप जी कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, समाज में लोग दहशत में हैं, डरे नहीं हैं, दहशत में हैं। जब निरीह मासूम मजबूर लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, लोगों में दहशत है, हम लोगों में दहशत है कि हम कभी प्रोटेस्ट को निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की गाड़ियां आएंगी और हम पर चढ़ जाएंगी। ये दहशत किया गया है। जैसे लखीमपुर खीरी में महिलाओं की साड़ियां फाड़ दी गई, कपड़े फाड़ दिए गए, तो दहशत में हर महिला कि अगर वो चुनाव में जाएगी, अपना नामांकन करने जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आएंगे और उसकी साड़ियां उतार देंगे, कपड़े फाड़ देंगे। और दूसरी घटना फिर तो कुनिया में हो गई, लोग मारे गए। आप कहते हैं कि लोगों में भय जाएगा, मेरी ओके, जल्दी से संदीप दुबे, फिर मैं मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं महत्वपूर्ण सवाल लेकर। बोलिए दुबे जी। मैं एक तिलक जी बीच में बता दूं जी, इनके पास पुलिस नहीं है उनको देने के लिए जिनकी जान को खतरा है। और कल हमने कह दिया कि हम गन्ना मंत्री के पास जाएंगे, वो शामली के ही है, उनका कार्यक्रम था कि हम जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि हमारा भुगतान क्यों नहीं हो रहा। तो रात से हमारे घर पर 10 पुलिस वाले लगा दिए और जब तक मंत्री जी कार्यक्रम करके नहीं गए वो यहीं बैठे रहे। अब इनके पास फोर्स आ जाती है, लेकिन जिसकी जान को खतरा है उसके लिए इनके पास सुरक्षा नहीं है। और ये नहीं है, आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ। अगर हम आंदोलन करते हैं, कुछ हमने एक दिन कह दिया कि हम शहीदों के लिए हमन करना चाहते हैं, उसमें इनको दिक्कत होगी, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया। आप तो देख तिलक जी देखते हो, आपके पास तो सारी सूचना आती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को आए दिन क्यों नजरबंद किया जाता है? मैडम एक सेकंड, संदीप दुबे जी, संदीप दुबे जी, संदीप दुबे जी डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन वेद भूषण सर, अभी मैं तेजेंद्र जी का बयान भी सुनाऊंगा, वो बयान भी आपको सुनाऊंगा जहां पर वो अपनी बात रखते रखते रो पड़े। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, जो जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं संदीप दुबे जी। आप संदीप दुबे जी, संदीप दुबे जी, मेरा ऑडियो आ रहा है ना आपको? संदीप दुबे, मैं सुन पा रहा हूं जी। मलिक साहब कह रहे हैं कि मेरे घर पर तो पुलिस लगा देते हो आप लोग, मैं धरना देने जाता हूं। मैं कहता हूं गन्ना मंत्री का घेराव कर दूंगा, मेरे घर पुलिस लगा दी आपने। जिनको सुरक्षा की जरूरत है, आप उस किसान नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जवाब दीजिए संदीप दुबे, जल्दी से। मुझे लगता है कि हम लोग जो चिंता है वो चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सारी प्रक्रिया न्यायालय में है और न्यायाधीश महोदय ने ऑलरेडी चिंता करी, चिंता है नहीं करें। और इस चिंता के अनुरूप पुलिस जो है, मैं इस डिबेट को, मैं इस डिबेट को यही खत्म कर दूंगा। पुलिस को काम करने दीजिए, आप एक गारंटी ले लीजिए, काम कर रही है, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, एक अपनी गारंटी ले लीजिए। मैं इस चर्चा को यही खत्म करता हूं संदीप दुबे जी। जाना हो पुलिस प्रशासन के लोगों को सूचित करें, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ। मैं आपको केंद्रीय बल उनकी सुरक्षा में लगे, रोते हुए उनका बयान सुनाऊं की जाएगी, मैं रोते हुए उनका बयान सुनाऊं। ये न्यूज़ वन इंडिया की टाइमलाइन है। आप जितने विषय कह रहे हैं, मैं पुलिस को कभी दोष इसलिए नहीं देना चाहिए कि हम ये इंटरव्यू पड़ा है टाइमलाइन पर। अरे पुलिस को नहीं दोष दे रहे हैं, पुलिस को नहीं दे रहे हैं, पुलिस अपना काम करेगी। नहीं नहीं, पालन करना वो पालन करेगी। सरकार के लोग रोक लगाए बैठे हैं, सरकार के आदमी नहीं चाहते कि मिले सुरक्षा। हम पुलिस को दोष नहीं दे रहे हैं, मैं पुलिस तो अपना काम, ये इंटरव्यू टाइमलाइन पे पड़ा है, न्यूज़ वन इंडिया की, तेजेंद्र जी का इंटरव्यू है टाइमलाइन पे। लोगों को इस इंटरव्यू में वो किस तरह से उस रूल के हिसाब से उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, पुलिस उनकी प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उनके बारे में पूछती भी रहती है। एक होमगार्ड तो मिला नहीं हुआ साहब, हम तो तेजेंद्र सिंह के मुझे एक बात बोलने का मौका देंगे आप सब लोग तो शायद जी, हम तो तेजेंद्र जी की दिलेरी की दाद देते हैं इतनी बड़ी घटना होने के बाद। और इतने बड़े आदमी, इतने बड़े तेजेंद्र जी को सरकार से टक्कर नहीं है, तेजेंद्र जी को टक्कर चल रहे हैं बसपा से, और वो आदमी राजनीति कर रहे हैं, तेजेंद्र जी लड़ रहे हैं, बुरा ना हो पाए क्योंकि उनके साथ संदीप दुबे हैं। और हम लोग किसी तरह उनके साथ गलत नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। अभी तक उनको डरने की जरूरत नहीं है, संदीप दुबे परेशान होने की जरूरत नहीं है, संदीप दुबे ये मामला सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए कोई भी पुलिस ऑफिसर्स गलत कर ही नहीं सकता। हमें लगता है कि उन लोगों को काम करने दिया जाए, न्यायिक एक प्रक्रिया है और प्रोटेक्शन को लेके भी ज्यूरिडिक्शन है, तो ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से प्रोटेक्शन होता मिलता है। और एसीपी वेदभूषण सर सही मायनों में समझा भी रहे थे कि
जो प्रोटेक्शन है अगर उनको चाहिए, उनको किस तरह की दिक्कत है, वो जहां भी जगह बदलते हैं, जगह बदलने से पहले पुलिस ऑफिसर जो उनको एक दिया है डिप्यू, आप गलत व्याख्या कर रहे हैं, सॉरी पुलिस ऑफिसर, वेद सर ने ऐसा नहीं कहा, वेद सर ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, आप गलत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, बात सुनिए, मैं आपको वो पढ़ के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बता सर, आप पढ़िए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को भी पढ़ के सुनाइए, दर्शकों को भी सुनाइए, और आप पुलिस को भी बताइए, सर जिनकी जिम्मेदारी है। अच्छा दुबे जी आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है आपकी सरकार, बताइए। अरे हम, मैं नहीं, पूरे देश में जितनी भी सरकारें हैं सब बाध्य हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करें, वो मेरी सरकार, आपकी सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार, और पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका उस गाइडलाइन को फॉलो करती है और न्यायपालिका आदेशित करती है। आज आपको कोई दिक्कत हो, मेरे से खतरा हो, मेरे भाई सुनिए तो सही, प्रोटेक्शन मिल जाएगा सबको, प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करा, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, हम लोग कंफ्यूज कर देंगे जो सुनने वाले, ये बहुत अच्छा डिबेट हो रहा है, बहुत अच्छा जुडिक्शन के निर्णय का भुगतान हो जाना चाहिए, और ये सारे मामले जुडिक्शन का है। संदीप दुबे जी, बहुत अच्छा डिबेट हो रहा है, सुनते नहीं यार, क्योंकि कई बार ऐसा सबके सामने आता है, लगता है कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ न्याय नहीं कर पा रही है। किसने कहा? डिबेट हो रहा, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। किसने कहा संदीप दुबे? आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, नहीं हो रही है, आप गलत बोल रहे हैं, पहले आपने वेद सर की वेद सर के कमेंट को गलत दिशा में लेकर गया और अब आप गलत बोल रहे हैं। वो प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगर उन्हें प्रोटेक्शन दिया तो उनको जहां जहां रहते हैं, संदीप दुबे जी, मुझे लगता है आप इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे, और हमें लगता है कि ये सबको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, मुझे लग रहा है आप इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे, मैं आपको, मैं एक सेकंड, ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, हमें लग रहा है कि बातें ऐसे करेंगे, ये राजनीतिक को कोई बयानबाजी नहीं है, आप किस बात का आश्वासन दे रहे हो, आपके हाथ में क्या है, के साथ अच्छा हो, आपके हाथ में क्या है, आप किस बात का आश्वासन दे रहे हो, बताइए, पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली बात है क्या साहब, संदीप जी, आपके हाथ में क्या है, आप किस बात का आश्वासन दे रहे हो, गलती करी नहीं करी, आप पुलिस ऑफिसर्स को खामोखा बंधक बनाना चाहते हैं, न्यायपालिका के माध्यम से उसकी नौकरी खाना चाहते हैं, आप कैसे कैसे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि हमारी जिम्मेवारी है, अभी जिम्मेवारी है आपकी, चलिए एसपी को फोन मिलाइए, हम लोग बात करते हैं, वो आपको बता देंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसका उन्होंने पालन किया है कि नहीं किया है। संदीप दुबे, सवित मलिक साहब, वेद सर, जो कमेंट संदीप दुबे ने किया, मैं चाहूंगा आप उसको खुद करेक्ट करिए, योगी जी जिम्मेदार हो, आप एक सेकंड, संदीप दुबे जी प्लीज, संदीप दुबे जी, न्यायिक प्रक्रिया में हर चर्चा अपनी जिम्मेदारी है, हर चर्चा वही आके खत्म नहीं होती ना, सुन लो यार भैया, तुम लोग झूठ बोलते हो, अरे आप बोलने नहीं दे रहे हो यार, भाई साहब, आप बड़े हो, आप बोलने नहीं दे रहे हो, और आप समझ नहीं रहे हो कि बात और चर्चा किस विषय पे हो रही है, राजनीतिक बात हो रही है, ये जुडिक्शन की बात है, वो रो रहे हैं, ना रोए, मैं तो ये कह रहा हूँ उनको प्रोटेक्शन मिले, उनके परिवार के लोगों को, वेद सर, आप तो वेद सर, एक मिनट, मलिक साहब, संदीप दुबे प्लीज, क्या है ये बताइए, मलिक साहब प्लीज, अरे भाई आप चुप, ये एंकर को सवाल पूछने दीजिए, एक सेकंड, संदीप दुबे, पुलिस ऑफिसर्स को किसी को इसकी जिम्मेदार नहीं मानता, वो संदीप दुबे गारंटी ले रहा है, किस हिसाब से गारंटी ले रहा है, संदीप दुबे किस भी आप पर गारंटी ले रहा है, बताइए कौन सा फार्मूला तुम्हारे पास है, कौन सी आर्मी अलग से बनाए हो, कह रहे हमारी गारंटी है, कुछ नहीं होगा, कौन सी गारंटी है आपकी, ये कानूनी प्रक्रिया नहीं समझते, ये राजनीतिक बयानबाजी दे कर रहे हैं, अच्छा ये नहीं समझते, जो समझते हैं उनसे पूछ लो, जो समझते हैं उनसे पूछ लो, उसको किसी तरह मैं ऑडियो नीचे करूं, मैं ऑडियो, संदीप दुबे प्लीज, प्लीज लेट मी कंप्लीट, एक सेकेंड, आप उनको भी चुप कराए, संदीप दुबे मैं दोनों को चुप करवा रहा हूं, प्लीज सुन तो लीजिए, प्लीज आप ये कह रहे हैं इनको नहीं मालूम, जिनको मालूम है उनसे पूछ लूं, आप ही के सामने, आप सुनिएगा सर, सही हमसे, वेद सर मुझे एक बात बताइए सर, ये चिट्ठी है जो लखीमपुर खीरी के एसएसपी ने उधम सिंह नगर के एसएसपी को लिखी है, ये चिट्ठी मैं दिखा भी रहा हूं और मैंने पढ़ के सुनाई भी, वेद सर मैंने जो बात संदीप दुबे जी की समझी, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि वो जानबूझकर दिशा को भटका रहे हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या इस चिट्ठी की कोई अहमियत, कोई मायने नहीं है जो उन्होंने लिखी है?
नहीं बिल्कुल मायने है, और तेजेंद्र सिंह विर्क जी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है। एक दूसरे के ऊपर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से ना एसएसपी साहब ना सरकारें बच सकती हैं। उसके लिए उनके पास एक ऑप्शन भी है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पिटीशन डाल सकते हैं और आपके टीवी चैनल के माध्यम से तमाम करोड़ों लोग हिंदुस्तान के लोग इस चीज को देखेंगे समझेंगे। हो सकता है कोई समझदार एडवोकेट इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में या पीआईएल फाइल कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ना केवल सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी लिया हमारी आपकी पूरे हिंदुस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है। तेजेंद्र सिंह की सिक्योरिटी जब तक इस केस का ट्रायल समाप्त ना हो जाए, यदि उनकी जान को या उनके परिवार की जान को कोई खतरा हुआ तो हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है फेयर ट्रायल के लिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना। ना केवल उधम नगर और दूसरा जो लखीमपुर खेरी है वहां के एसएसपी वहां की स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उससे वो अपने आप को अलग नहीं कर सकते क्योंकि आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। सुना संदीप दुबे जी, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे थे वेद सर की टिप्पणी को, मैंने इसलिए करेक्ट करवाया। उन्होंने बताया कि ये लखीमपुर खीरी के एसएसपी अगर लिखते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है, सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की है। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि धामी सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवाई दुबे जी, एक छोटा सा सवाल है। अब बताइए सर किसकी जिम्मेदारी बनती है? संदीप दुबे जी, आप ही ने कहा था ना कि जिनको मालूम हो उनसे पूछो। आपके सामने मैंने वेद सर से पूछा। ऐसा है, ये लोग जुमलेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता, हवा में बात करते हैं, ये किसी की नहीं सुनते, सुप्रीम कोर्ट की सुनते ना, सांसद विधायकों की सुनते ना, सहयोगियों की सुनते ना, बेरोजगारों की सुनते ना, किसानों की सुनते ना, मजदूर की सुनते ना, अध्यापकों की सुनते, किसकी सुनते हैं ये? आप हवा में बात कर संदीप दुबे जी करते हैं। संदीप दुबे जी, मैं शिल्पी जी आपके पास जाऊं और मुझे मैं लगता है ये पूरी तरह से पॉलिटिकल डिबेट हो रहा है और इस डिबेट को मैं जवाब दे रहा हूं। ये कह रहे हैं ना साहब कि नहीं सुनते। सर पॉलिटिकल डिबेट होता तो मैं वेद सर को क्यों बिठाता? पॉलिटिकल डिबेट होता तो मैं वेद सर को क्यों बिठाता? आपने कहा कि उनको नहीं मालूम तो वेद सर से पूछो। मैंने वेद सर से आपके सामने पूछा और वेद सर ने कहा कि हाँ ये मायने रखती है चिट्ठी। बात रख रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हो तो जुडिशियल का जुडिशियल की बात ही नहीं कर रहे हो। व्यक्ति को जुडिशियल से देखिए आप समझ, या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या आप मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते सब लोग। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, एक व्यक्ति जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट की पुलिस उस जुडिक्शन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। अगर व्यक्ति वो स्टेट छोड़ के दूसरे जगह जाता है तो दूसरे स्टेट की पुलिस के लिए प्रोटेक्शन के लिए अलग से उसको कोर्ट में आना पड़ता है, तब उसकी जुडिक्शन में आएगा और वो पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वो दिल्ली में जाकर दिल्ली पुलिस पहले बात सुनो, आप जानते हो नहीं पॉलिटिकल डिबेट कर। अगर ये सांसद जो गवर्नर मिलते हैं, शिल्पी जी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। शिल्पी जी ये कह रहे हैं कि आपने पॉलिटिकल डिबेट बना दिया इसको। अगर ये डिबेट हो रहा है, अरे हम लोग कुछ भी मलिक जी एक सेकंड, मलिक जी प्लीज, संदीप दुबे जी मीडिया ने कर दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि आप जो लोग चाहते हो सेंट्रल पुलिस की जो प्रोटेक्शन है वो भी उनको प्रोवाइड किया जाए और आपके मन में जो भी शंका है वो शंका को हम दूर करेंगे। हमारी कोशिश प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपके समक्ष बताएंगे कि ये विषय इतना नहीं है, जिस विषय पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं उनको भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए और उनको नहीं मिले तो उनको बोलिए ना मेरे से बात करिए, मैं उनको प्रोटेक्शन दिलाता हूँ। पूर्व के केसेस के गवाह आज तक जिंदा नहीं बचे हैं, आशाराम का मामला हो या उन्नाव का मामला, डरवाइए नहीं आप लोग समाजवादी पार्टी को, डरवा रहे हैं हम, सत्य बात कर रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ अगर उनको कोई दिक्कत हो तो, ना हम डरते हैं ना हम डराते हैं। ये न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ मिलके अजय मिश्रा टेनी जी करते हैं जुडिशियल के विषय पे
इस देश के केंद्रीय राज्य मंत्री करते हैं डराने का काम, समाजवादी पार्टी डराने का काम नहीं करती। आप सुनिए तो, गुस्सा मत होइए, सुनिए तो, हम पक्ष नहीं रख रहे हैं किसी का, हम ये कह रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, बोले हैं निर्भीक इंसान है और उनको प्रोटेक्शन को लेके वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका तुरंत पालन गवर्नमेंट कर रही है और करेगी और कोशिश होगी कि कहीं से कोई किसी प्रकार की दिक्कत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डराता है जनता जी, आप लोग देखिए सब लोग एक विषय रख रहे हैं, मैं जो विषय रख रहा हूँ लोगों तक जाएगा नहीं, मैं वही मंत्री हूँ, मैं वही, मेरी बात आप नहीं समझ रहे, हम लोग पॉलिटिकल ये विषय नहीं है, ये लीगल मैटर है, ये लीगल मैटर है, किसी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज, ये चिल्लम चिल्ली नहीं, सरकार न्यायपालिका नहीं है, ध्यान लेना चाहिए न्यायपालिका के आदेश का पालन करना। जी संदीप दुबे जी, एक काम करिए, एक काम करते, एक काम करते, एक सेकंड, एक सेकंड, चलिए सभी आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबसे विद्वान आप हैं, मैं मान गया आपकी बात, ठीक है सर, अब एक बयान सुना रहा हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, कर रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, मैं बयान सुना रहा हूँ बस, न्यायपालिका के आदेश, मैं एक बयान सुना रहा हूँ, मैं मान गया सबसे विद्वान आप हैं, पुलिस कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकती, जो न्यायपालिका का आदेश होगा पुलिस पालन करेगी। सर सिर्फ दो बातें कह रहा हूँ, सर मैं बयान सुना दूं, समझ सकते तो समझ ले, और नहीं समझना चाहते मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, अगर आप नहीं सुनना चाह रहे वो आप कर विवेक, जब सारे तथ्य झूठे हैं, सारी बातें झूठी है भाई, ये कहां के चौधरी साहब है, ऐसी बातें कर रहे हैं भाई, आप कह रहे हो मेरी निजी गारंटी है भैया, आपके पास कर रही हूं, कौन सी आर्मी आपने बनाई है, टॉकिंग लाइक आप लिखित रूप में दीजिए, तो आपको न्यायपालिका के बारे में पता नहीं है, न्यायपालिका की अवमानना आप कर रहे हैं बैठ के, और इस तरह के हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप बता रहे हैं न्याय की नहीं है तो ये चर्चा ही गलत है, न्याय दृष्टि द्वारा इसका राजनीति काम नहीं करना चाहिए, राजनीति को बैठा के बात नहीं करनी चाहिए, मैं वेद सर आपके पास आऊं, मैं एक बयान सुनाना चाहूंगा, राजनीतिक लोगों को बैठा के बात नहीं करनी चाहिए, सारे राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं मान गया संदीप दुबे जी, आप सुन लीजिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये बयान सुन लीजिए, शिल्पी जी प्लीज ये बयान सुनिए, ये बयान मेरा नहीं है, मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तेजिंदर जी का, तब न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर बातचीत करते हुए तेजिंदर जी रो पड़े, जानते हैं क्यों, जानते हैं क्यों, संदीप दुबे जी आप कह रहे हैं ना कि गारंटी है, ये बयान सुनिए और फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज प्ले करिए। लखीमपुर खीरी का ये वीडियो, पूरा देश इस वीडियो को भुलाए कभी नहीं भूल सकता, यह मसला सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के दौरान किसानों को कुचलने का नहीं, उस इंसानियत को कुचलने का है, उस आवाज को कुचलने का है, लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, 3 अक्टूबर को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं तो बच गया, लेकिन मेरे साथ 18 साल का लवप्रीत था, 22 साल का दलजीत था, 79 था, 58 साल के वो रिटायर फौजी थे, वो रमन कश्यप था, वो गुरविंदर था 22-23 साल का, उनको जब याद करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अभी भी मेरे आंखों के सामने वो 3 अक्टूबर का 3 बजे का समय आता है कि हे ईश्वर तूने क्या किया कि मेरे साथ के साथियों को ले गया। वह एक नरसंहार था और ऐसी घटनाओं को देख के मैं तो खुशनसीब नहीं समझता अपने आप को कि मैं बस क्यों गया, क्यों मैं भी उनके साथ शहीद क्यों नहीं हो गया। उस लखीमपुर की घटना ने किसान नेता रो रहा है, मेरे पास शब्द नहीं थे संदीप दुबे जी, मैं उनसे अगला सवाल कर लूं, मेरा हौसला जवाब दे रहा था, उनके आंसू बह रहे थे, आंसू बह रहे थे उनके, अब उनको ये मैं कौन सी गारंटी की आप बात कर रहे हैं, जब एसएसपी लखीमपुर खीरी लिख रहे हैं, उधम सिंह नगर के एसएसपी आपके सामने बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी नहीं, ये यूपी पुलिस की है, अब आप कौन सी गारंटी ले रहे हैं, कौन सी गारंटी ले रहे हैं, आप उन्हीं को एड्रेस करिए, मुझे मत करिए,
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वो है तो उत्तर प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो विटनेस प्रोटेक्शन है उस प्रोटेक्शन के लिहाज से वो कहीं भी अगर उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं तो जो एसपी हैं और जो आयोग का नंबर है नगर के एसएसपी यानी उत्तराखंड कराया जाएगा, उत्तराखंड के एसएसपी कह रहे हैं डायरेक्शन जो सर्वोच्च न्यायालय का होगा उसका पालन पुलिस करेगी, हो रहा है। उसके लिए पुलिस संजय दुबे जी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सर, रहे नहीं मिली हुई प्रोटेक्शन है, अगर उनको जरूरत पड़ती ये टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ लो, सेंट्रल पुलिस मैं गलत बोल रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ लो, कहीं भी जाए उनको प्रोटेक्ट किया जाए वो भी किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनको कोर्ट को सूचित करना पड़ेगा क्योंकि जो है न्यायपालिका मॉनिटरिंग कर रही है, हमारी चुनावी भाषण बंद करिए, अरे चौधरी साहब आप तो मुझे लग रहा है कि आप अव्यवहारिक बात कर रहे हैं, आपको चुनावी भाषण बंद करके हमारी सुनिए, आज तक सिक्योरिटी मिली नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो करेंगे और किसी तरह की दिक्कत उनको नहीं होगी, आज तक सिक्योरिटी मिली नहीं तो आप कहां से झूठ बोल रहे हो, कब सिक्योरिटी मिली है बताइए, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को गनर और सिक्योरिटी नहीं मिलती भाई साहब, आईओ मिलता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, दूसरी बात कौन मिला आप भरे होमगार्ड नहीं मिला, एक होमगार्ड नहीं भरा उनके घर के बाहर, आप कौन सी गारंटी ले, वेद सर वेद सर ऑडियो नीचे, ओके ओके संदीप दुबे जी आप सुन लीजिए, वेद सर फाइनल कमेंट आपका, कौन सी आर्मी आपकी लिखित में दीजिए, अगर देवेंद्र सिंह विरक्त को कुछ होता है मलिक सर प्लीज एक सेकंड, संदीप दुबे होगा आपको कम नहीं कर सकते मलिक सर, आप लिख कर दीजिए अगर उनको नेताजी को कुछ होता है संदीप विरक्त को उसका जिम्मेदार संदीप दुबे होगा, आपने अभी कहा है चैनल पे कि मैं गारंटी लेता हूँ, वेद सर फाइनल कमेंट आपका, प्लीज 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 मलिक सर मलिक जी प्लीज, क्यों हो जाएगा आप क्यों उनको डरवा रहे हैं, संदीप दुबे हम डरा नहीं रहे हैं, हम आगाह कर रहे हैं, हम आगाह कर रहे हैं, कुचलने का काम कर रहे हो, एक सेकेंड आप लोग उनको डरवा रहे हो, एक प्लीज प्लीज ऑडियो नीचे, फाइनल कमेंट वेद सर आपका, वेद सर तिलक जी स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है पूरे हिंदुस्तान में हर एक स्टेट के अंदर बनी होती है, ये जो तेजेंद्र सिंह विर्क की जो समस्या है उसके लिए दोनों स्टेट की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको बैठ के तय करना चाहिए कि कौन स्टेट गवर्नमेंट किस टाइम पर कितनी क्वांटम के अंदर उनको सिक्योरिटी किस तरह प्रोवाइड करेगी, दोनों स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस बात को करें कि इस गवाह की सुरक्षा कैसे इंश्योर की जाए, ये दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है, पूरे हिंदुस्तान की, हमारी आपकी और तमाम सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि तेजेंद्र सिंह खन्ना अपने गवाह जो है उसको सही ढंग से डिपोज कर सके और सही जो न्याय की जो व्यवस्था है उस पर इस केस को किसी निर्णायक स्थान पर पहुंचने में उनकी मदद ली जा सके, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, लेकिन संदीप दुबे जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मलिक साहब बहुत गंभीर मसला है, शिल्पी जी सियासत नहीं यहां समाधान हमें तलाशना है, क्योंकि अगर एक किसान नेता अपने आंसू बहाते हुए न्याय की अपील कर रहा है, सुरक्षा की बात कर रहा है तो सुरक्षा मुहैया हो, यह बात वेद भूषण जी भी कह रहे हैं। आज इस एक्सक्लूसिव खबर पर जो अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज इस विषय पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर एसएसपी की चिट्ठी लखीमपुर एसएसपी, ये अपने आप में बताती है कि जरूरत इस वक्त किसान नेता को सुरक्षा की है, कौन सही है कौन गलत है ये कोर्ट तय करेगा, ये आप हम तय नहीं कर सकते, न्याय कोर्ट से मिलेगा, लेकिन सुरक्षा कौन दे सकता है ये आप जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।